नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर मैं विकास सक्सेना और आप देख रहे हो विकास जी टेक चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पोर्ट्स बज 11 ऐप के बारे में, कि इसे कैसे यूज करेंगे और इस ऐप से पैसा कैसे अर्न करेंगे। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करके इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इंस्टॉल और प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 4 स्टार की रेटिंग है, 1,00,000+ डाउनलोड भी। फ्रेंड, यह एक क्रिकेट फैंटेसी ऐप है। जिस तरीके से आप ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर टीम बना सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आपको इसे प्ले कर देना होगा। जैसे आप इसे प्ले करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा और इस पर टिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे फिल कर देना होगा और यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना होगा, ईमेल आईडी डाल देना होगा, रिफरल कोड आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपको साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो आपको इसे परमिशन दे देना होगा। जैसे आप परमिशन दे देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी मैच होने वाला है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और इसका प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ से कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। यदि आप सही टीम बनाते हैं और आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो आप यहाँ से 1 करोड़ तक जीत सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी टीम देखने को मिल जाएगी या जो भी मैच होने वाला है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ऊपर आपको क्रिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको फुटबॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप क्रिकेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फुटबॉल में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और किस टीम पे आप पैसा लगाना चाहते हैं अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लखनऊ वर्सेस बेंगलोर वाला मैच होने वाला शाम को, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप 39 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आप 1 करोड़ तक जीत सकते हैं, या आप को यहाँ पे 10 लाख का भी प्राइज़ देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। जिससे आप सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप विकेट कीपर किसे लेना चाहते हैं अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं क्विंटन डिकॉक को लेना चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे दिनेश कार्तिक को आप लेना चाहते हैं, या आप निकोलस पूरन को लेना चाहते हैं, या आप यहाँ पर जिसे भी सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑलराउंडर का ऑप्शन आ जाए, ऑलराउंडर में किन किन प्लेयर को चूज करना चाहते हैं अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे मैं मार्क स्टोइनिस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कुणाल पांड्या को सेलेक्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पे आपको जो जो प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना अपने यहाँ पे बारी बारी से सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे बैट्समैन आप किसे सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने यहाँ पे बैट्समैन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए बैट्समैन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैट्समैन सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे विराट कोहली को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको जो भी जो प्लेयर अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉलर किसे सेलेक्ट करना अपने यहाँ पे बॉलर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मार्क वुड को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना कि 11 प्लेयर हो जाएंगे तो आपकी एक टीम बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे आपको कैप्टन चूज कर लेना होगा और वाइस कैप्टन आप किसे रखना चाहते हैं अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कैप्टन रखना चाहता हूँ क्विंटन डिकॉक को और यहाँ पे वाइस कैप्टन रखना चाहता हूँ विराट कोहली को, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ज्वाइन ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी करने के लिए यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का फोटो खींच के अपलोड कर देना होगा और आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो और यहाँ पे आपको खींच के अपलोड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसे सबमिट कर लेना होगा। जब तक ले आप केवाईसी नहीं करेंगे तब तक ले यहाँ से आपका पैसा ऐड नहीं होगा और तब तक ले आप यहाँ से कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। ऊपर आपको माई कॉन्टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे माई टीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो माई कॉन्टेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन कॉन्टेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और माई टीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी टीम आप बनाए रहेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपना टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको आ जाना होगा बैक। जैसे आप यहाँ पे बैक आएंगे, जब तक ले आपके पास 39 रुपया या जितना भी पैसा आप लगाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब तक ले आप उतना पैसा आपके पास नहीं रहेगा तब तक ले आप यहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कितना पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको पैसा जमा करने के लिए यहाँ पर आपको डिपोजिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको डिपोजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप पैसा जमा करना चाहते हैं जमा कर सकते हैं। गूगल पे या फोनपे के माध्यम से आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए आपके पास केवाईसी जरूरी है, तभी आप यहां से कोई भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप यहां से जितने भी प्लेयर आप चूज किए हैं, यदि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप यहां से ढेर सारा पैसा अर्न कर सकते हैं।